आज की इस वीडियो में मेरे पास है फिलिप्स का ये एलईडी बल्ब जिसका मॉडल है A7। ये 9 वाट का एक रेगुलर एलईडी बल्ब है। इसके अंदर आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसके अंदर हाई वोल्टेज और सर्ज प्रोटेक्शन है। ये फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है। ये ROHS कंप्लाइंट है और ये 87% तक एनर्जी को सेव करता है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है रिटेल पैकिंग इस फिलिप्स के एलईडी बल्ब की जिसका मॉडल है A7 और ये मैट फिनिश के अंदर काफी सुंदर पैकिंग है। इसके फ्रंट में बल्ब की फोटोग्राफ बनी हुई है, फिलिप्स की ब्रांडिंग है और इसका मॉडल A7 मेंशन्ड है। ये पैकिंग हमें बताती है कि ये बल्ब 87% तक एनर्जी को सेव करता है और 5-स्टार ब्राइटनेस देता है। ये 9 वाट का बल्ब है और इसके अंदर आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। ये बल्ब ROHS कंप्लाइंट है। इसके अंदर हाई वोल्टेज और सर्ज प्रोटेक्शन है। ये फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है। इस बल्ब का कलर क्रिस्टल व्हाइट है और इसका कलर टेम्परेचर 6500K है और ये B22 होल्डर के साथ आता है। इस 9 वाट के एलईडी बल्ब की ब्राइटनेस एक 15 वाट CFL के बराबर है और एक 70 वाट GLS बल्ब के बराबर है। इसकी ल्यूमिनेंस 825 है और ये पैकेट हमें बताता है कि ये बल्ब 10 साल तक लास्ट करता है। तो अगर ये बल्ब 10 साल तक लास्ट करता है तो कंपनी इसके ऊपर 1 साल की वारंटी क्यों दे रही है ना एक सरप्राइजिंग बात। ये बल्ब ISI सर्टिफाइड है और इस बल्ब का MRP ₹155 है, मगर ऑनलाइन एक काफी सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा और अगर इसको एक की बजाय ज्यादा पीसेस लिए जाते हैं तो और सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। ये ऑनलाइन सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 4 ऐसे कई सारे सेट्स में आता है। तो जितने ज्यादा बल्ब आप परचेज करेंगे उतना कम एक प्राइस पर यूनिट का आपको देना पड़ेगा। और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक यूट्यूब के ऊपर ग्लिटर्स इन्फो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी सब्सक्राइब करें ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस अगर देखने के लिए। इस बॉक्स के अंदर एक एलईडी बल्ब मिलता है जिसका मॉडल है A7। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका बिल्ड है। आप देखो मैं कितनी जोर की इसको हिट कर रहा हूं मगर इस बल्ब को कुछ नहीं हो रहा। और अगर ये बल्ब नीचे भी गिर जाता है तो भी इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें ग्लास का यूज कहीं नहीं करा गया। ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है और इसका जो मटेरियल है ये फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो इसमें सेफ्टी का काफी ध्यान रखा गया है। इसके ऊपर ये ट्रांसलूसेंट पार्ट है जहां से इसके अंदर की एलईडीज की जो लाइट है वो बाहर एमिट होती है और इवनली चारों तरफ स्कैटर होती है। और इसके नीचे ये मेटल का होल्डर है जो कि B22 होल्डर है। तो इंडिया में मोस्टली सभी बल्ब होल्डर्स के अंदर ये लग जाएगा क्योंकि मोस्टली होल्डर्स इंडिया के अंदर B22 फिटिंग वाले ही आते हैं। और इस बल्ब के अंदर एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो कि फिलिप्स यूज करता है अपने बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। इसकी वजह से इसकी एलईडीज का जो ग्लेयर है काफी ज्यादा कम हो जाता है और आंखों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। जब आप रीडिंग कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पर ये बल्ब आंखों के लिए काफी कंफर्टेबल रहता है इस आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से। इस बल्ब की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, इसके सर्किट को सेफ रखने के लिए इसके अंदर हाई वोल्टेज और सर्ज प्रोटेक्शन है। जब भी वोल्टेज ज्यादा हो जाए या फिर एक इमीडिएट स्पाइक होता है वोल्टेज के अंदर, उस टाइम पर ये बल्ब को प्रोटेक्ट करता है इस सर्ज प्रोटेक्शन और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन की वजह से। तो इस बल्ब की लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक 2-स्टार रेटेड बल्ब है और इसकी ल्यूमिनेंस जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 825 LM की है। तो अब एक बारी इस बल्ब को ऑन करके चेक करते हैं कि जितनी कंपनी क्लेम कर रही है उतनी ब्राइटनेस इस बल्ब में है या नहीं। फिलिप्स के इस बल्ब को यूज करने के लिए इसको किसी भी B22 वाले होल्डर में इस तरीके से लगा देना है और लगाने के बाद जो स्विच है इसको ऑन करना है। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा बल्ब ऑन हो गया, ऑफ करते ही ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो आप देखो ये जो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैं जैसे ही बटन प्रेस कर रहा हूँ स्विच ऑन हो रहा है और जैसे ही बटन प्रेस कर रहा हूँ ये ऑफ हो रहा है। और इस बल्ब की जो ल्यूमिनेंस है वो ल्यूमिनेंस मीटर के अंदर तकरीबन 750 से 800 के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है और कंपनी क्लेम कर रही है 825 ल्यूमिनेंस। तो ऑलमोस्ट ये ल्यूमिनेंस जितनी कंपनी क्लेम कर रही है उतनी हमें मिल रही है,
बाकी अगर ल्यूमिनस मीटर को हटाएं और वैसे मैं बात करूं इस बल्ब की ब्राइटनेस की, तो ये बल्ब उतनी ब्राइटनेस दे रहा है जितनी एक 9 वाट के बल्ब में होनी चाहिए। तो इसकी जो ब्राइटनेस है इससे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, और ये मैंने अपने रूम में लगाया है, और रूम में लगाने के बाद रीडिंग के टाइम पे मुझे लाइट थोड़ी सी कम लगती है, बट वैसे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए इसकी ब्राइटनेस काफ़ी सफिशेंट है। अगर आप इस बल्ब को रीडिंग के लिए ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 9 वाट की बजाय कम से कम 14 वाट का बल्ब लें, ताकि आंखों को ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े और इजीली आप रीड कर पाएँ। तो अभी आपने देखा कि ये जो बल्ब है इसकी ब्राइटनेस कितनी अच्छी है, ये एक 9 वाट का बल्ब है और 9 वाट के हिसाब से इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी सफिशेंट है और एक काफ़ी सस्ता बल्ब है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सस्ते बल्ब की मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस बल्ब में कुछ ऐसा खास था जिसने मुझे मजबूर करा वीडियो बनाने के लिए। हालांकि ये बल्ब मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मार्केट से खरीद के लाया था, बट उसके बाद मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसके अंदर आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है आंखों को सेफ रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से बल्ब सभी के घर में होना चाहिए, जहां पर भी लोग एलईडी बल्ब का यूज़ करते हैं उसकी बजाय ये वाला एलईडी बल्ब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से आंखों की प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा इस बल्ब में होती है। बाकी इस बल्ब का CRI 80 है और ल्यूमिनेंस 825 है, जो हमने भी पीछे चेक कर ही ली है। और अगर इन बल्ब्स को पुराने वाले CFL बल्ब से कंपेयर करा जाए तो ये 40% तक एनर्जी सेव करते हैं, और अगर GLS बल्ब से कंपेयर करा जाए तो ये बल्ब 80% तक एनर्जी को सेव करते हैं। तो इस बल्ब का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बिल तो काफ़ी कम हो ही जाना है, और इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये बल्ब काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल जाता है। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये थी फिलिप्स के इस एज सेवर बल्ब की एक वीडियो, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियो जरूर बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियो जरूर देखना तो यूट्यूब के ऊपर ग्लिटर्स इन्फ्रारेड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल द माइंड, ताकि मेरी बनाई वीडियोज की सभी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।